वो है मसाला ऐड करना है तो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो अभी इसमें हमें कुछ और एक और चीज़ ऐड करनी है और वो अभी ऐड करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो चलिए आप बने रहिए और अभी मैं इसे डब्बे में फिल करती हूँ। और ये देखिए मैंने इनको डब्बे में फिल कर दिया और ये इतनी ही हो पाई हैं क्योंकि आधी को तो मैंने दे दी हैं। तो चलिए आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं बोल सकती हूँ मैंने भी होली पे कुछ बनाया है तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से होने जा रही है। हम अब यहाँ पर हैप्पी एंड हेल्दी हैं और होली के लिए वर्क में लगे हुए हैं। आई होप सो आप भी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और अपना डेली वर्क स्टार्ट हो चुका होगा आप सबका भी। तो मैंने बताया था आदि के एग्ज़ाम हो चुके हैं लेकिन उसे अभी भी हम मतलब आज तक तो एटलीस्ट जाएगा ही और फिर देखते हैं आगे मैम क्या बोलेंगी। अभी तो मान गए थे कि हाँ भेज दीजिए और कल उसने देखिए 31 से 40 तक काउंटिंग आ ही गई है, मतलब 30 की आती है 31 32। आज उसने मुझे खुद से बोल दिया किचन में जब मैं वर्क मम्मा इजी है मुझे आ गया है और यहाँ पे रहता तो टीवी और फ़ोन या फिर दुकान से ये ला दो ये कर दो, उसका ये रहता है पूरा टाइम। और हिंदी में उसे आ की मात्रा सिखाई गई तो आम काम राम मतलब आ रहा है उसे थोड़ा थोड़ा। तो मैम उसे एटलीस्ट कॉपी में वर्क भी करा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। और घर पर तो नहीं, उसे संभालना फिर भारी हो जाता है। तो चलिए मेरा मॉर्निंग का टोटली वर्क हो चुका है, झाड़ू पोछा नाश्ता, दोपहर के लिए सब्जी, अभी मैंने मशीन में मैट डाले हुए हैं और कपड़े वगैरह धुल के बाहर जा चुके हैं। अब आकर के आदि को छोड़ देते हैं, पहले ये लोग तो जाएंगे उधर दूसरी साइड आंगन को क्लीन करने, वहाँ पे ढेर सारी पत्ती हो रही हैं। तो मम्मी और ये जाएंगे उधर सुभाष नगर वाले घर और हम देखते हैं हम क्या करते हैं। तो चलिए आप बने रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा, जो भी मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं किचन में और चाय रेडी है एकदम। यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ये है सूखा आटा और आटा लगा के रख दिया है। और कुकर में बना दी है मैंने आलू टमाटर सोया चंक्स की सब्जी। और ये मैंने निकाले हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं सारे मसाले। तो ये किस लिए ये आपको अभी पता चल जाएगा। उधर अगर आपको फ़ैन की वॉल्यूम आ रही है तो पोछा लग चुका है, साथ ही मैंने कुछ और भी किया है जो मतलब जैसे होली आ रही है तो उसके लिए बनता है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी जगी थी और इतना मेरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। आगे जो भी मैं करती हूँ, जैसे मैंने ये मसाला ही रखा हुआ है, इसका क्या यूज होने वाला है, बने रहिएगा मैं आपको बताती हूँ। पहले पी लेते हैं ये जो चाय मैंने बनाई है, जल्दी के लिए मैंने कटोरी में की है। और चलिए देर ना करते हुए पहुँचते हैं और चाय पीते हैं। तो उस मसाले का हो रहा है ये, तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर नमक अजवाइन और इन सब के पराठे, क्योंकि वेजिटेबल मैंने बना दी है, इन्होंने बोला ये दोपहर में खाई जाएगी, हमने चला रखा है सफाई अभियान। उधर क्या लॉन्ड्री स्टार्ट हो चुकी है, टाइमर की वॉल्यूम आ रही होगी और आदि बोल रहा है मुझे ठंडा लग रहा है क्योंकि ब्लैंकेट फोल्ड कर दिए गए थे और साथ ही वो पोछा लगा तो फैन ऑन था इसलिए। तो अब ये बना रही हूँ मैं आदि के लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि आज आदि लंच बॉक्स में भी बोला है उसने ये वाला पराठा भी साथ में थोड़े आलू भी दे देना निकाल के। तो कुछ ऐसे है आज हमारा नाश्ता और ये वाला नाश्ता कभी कभी अच्छा लगता है। और ये हो गया है आदि का लंच बॉक्स पैक। आज मैंने वेजिटेबल ना देके ये मसाला पराठा साथ में बनाना और ये ग्रेप्स रख दिए हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और आज हमारे मैंने मतलब मॉर्निंग में वेजिटेबल लिक्विड क्यों बनाई है, क्योंकि ये लीव पर हैं, तो मतलब लीव पे क्या इनकी छुट्टी है आज की, एग्ज़ाम्स के बाद इन्हें एक एक्स्ट्रा लीव मिली है। तो फिर मैंने सोचा और काम हो जाएंगे, ये वर्क छोड़ देती हूँ। मतलब अगर इनका लंच बॉक्स जाता है तो बनती ही बनती है मतलब सेमी सॉलिड सब्जी। तो ये है, तो
अभी चलिए मैं ये काउंटर टॉप और गैस वगैरह को क्लीन कर लेती हूँ और साथ में बनाती हूँ चाय, फिर करने हैं बर्तन क्लीन क्योंकि आदि को तो टाइम से ही स्कूल जाना है ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं रखने जा रही हूँ चाय बनने के लिए, और प्लीज़ वॉल्यूम को इग्नोर कीजिएगा। एक्वा मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मतलब ऑन रखा हुआ है, और इधर इंडक्शन पर रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। बाकी मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। अब चलिए बोलते हैं वो सब नाश्ता करेंगे। मुझे जाना है बाथरूम में बिकॉज आदि को छोड़ने जाना है, तो नहा के ही जाना पड़ेगा। ऐसे इस हाल में तो मैं जाऊँगी नहीं, तो बने रहिएगा। चलते हैं किचन में, और जिसका आपको बेसब्री से वेट था कि वो वीडियो कब आएगी, तो वो है मेरा हेयर मास्क जो कि मैं अब नाइट में बनाने जा रही हूँ और मॉर्निंग में आप लोगों के साथ प्रॉपरली शेयर करूँगी। तो देर ना करते हुए चलते हैं किचन के अंदर। फ्रेंड्स डिनर वगैरह सब हो चुका है, उसके बाद आई हूँ। ये बहुत दिनों से काम पेंडिंग चला आ रहा था, तो वो ये है कि आप सब मेरी मतलब वाइटी फैमिली में से ही किसी ने मेरे से पूछा था कि आप हेयर मास्क कैसे बनाते हैं, तो आज मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने ये जो पैन लिया है ये आयरन में है, और इसमें पानी ऐड कर लिया है। इसमें ही ऐड करूँगी मैं कॉफ़ी, और कॉफ़ी के इसीलिए ना बड़ा पाउच था मेरे पास, मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा था, तो मैंने छोटे पाउच मंगा लिए हैं जिसमें मैं दो पाउच ऐड करने वाली हूँ। और इसको मैं बॉयल कर लूँगी और फिर इसे ठंडा करके इसमें कॉफ़ी मेहंदी ऐड करनी है मुझे। और मेहंदी का भी मैं वो कपड़े वाला जो पैकेट आता है ना, वो वाली मेहंदी यूज करती हूँ। अभी मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसमें दो पाउच कॉफ़ी ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको इंडक्शन पर रखने जा रही हूँ। और ये है वो मेहंदी का पैकेट जिसमें से मैं मेहंदी, आज तो मैं पूरा ही पैकेट डालने वाली हूँ। ये मेहंदी मतलब मैं डिप करूँगी, इससे हेयर मास्क बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए, अभी मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ और उसके बाद नॉर्मल करके इसमें डिप करते हैं मेहंदी। और ये काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा था मेरा हेयर मास्क प्रोसीजर, तो चलिए जैसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको रेडी कर दिया है। इसमें मुझे अभी इसकी कोई ये थिकनेस या इस पर नहीं जाना है, बस इसको ऐसे ही डिप करके छोड़ देना है। वो ठंडा हो चुका था जो मैंने कॉफ़ी पाउडर पानी में बॉयल किया था, और जो भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो हम मॉर्निंग में ऐड करेंगे और फिर इसको तब ही यूज करेंगे हेयर मास्क को। तो चलिए आप बने रहिएगा, तब तक के लिए मैं अब आपको मैंने इतना प्रोसीजर अभी दिखा दिया है, मतलब बता दिया है। हेलो फ्रेंड्स, लंच टाइम हो चुका है और आज हम थोड़ा लेट आए स्कूल से, मतलब आदि लेट आया। वहाँ पे थोड़ा मेहंदी वगैरह और होली का डिस्कशन इस टाइप का चल रहा था टीचर्स में आपस में, तो वहाँ थोड़ा मुझे टाइम लग गया है। आदि को मैंने लंच दे दिया है, जैसे मैंने बताया था मम्मी जी और ये गए हुए हैं दूसरी साइड, और उधर मैम ना गुंजिया के लिए अपना मसाला रेडी कर रहे थे। और ये देखिए टन टन आंट, बस मेरे ये रह गए हैं फ्रंट वाले। मेहंदी भी मेरी लग चुकी है, वन हैंड पे ही हो पाया है, तो अभी कलर आ जाएगा। अभी मैं किचन से आई हूँ हाथ वाथ धुल के, और वैसे मैंने बताया था आपको आलू सोयाबीन मतलब सोया चंक्स, आलू मटर टमाटर मतलब मटर नहीं है टमाटर, वो बनाया है मैंने खाने में। और अब जा रही हूँ मैं अपने हेयर मास्क में थोड़ा दही ऐड करके वो लगाना है, इसीलिए मैंने अपनी कुर्ती चेंज किया, कभी उस पर गिर जाए ना। और अब तो समर्स के कपड़े प्रॉपर निकल चुके हैं, आज तो मेरा दुपट्टा भी आ गया है। तो चलिए बने रहिएगा। और हाँ, साथ ही मैडम ने गुंजिया बनाई थी, बड़ी मस्त गुंजिया बनी हुई थी। मैं ये नहीं बोलूँगी हमारी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन उनकी भी बहुत अच्छी बनी है। तो और क्या है, आप सब क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, प्लीज़ बताइएगा। और इधर मैं आपको दिखाऊँगी ना ढेर सारे, एक चेयर पूरी फुलफिल हो रही है मेरे कपड़ों की, क्योंकि आज तो बेडशीट वगैरह भी वॉश की गई है, तो मुझे वो अब सब समेटने हैं। पर पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी, पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद इस टास्क की ओर चलूंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है फिर। तो चलिए आप बने रहिएगा, जैसा भी होता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ।
आप देख सकते हैं मैंने अपने हेयर मास्क उठा लिया है और इसमें क्या करने जा रही हूँ, मैं ऐड करने जा रही हूँ दही। और ये मैंने एक पूरा ग्लास दही मंगाया था, मतलब जो आता है, और इसमें से मैंने इतना क्वांटिटी ऐड कर दी है इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर ये हेयर मास्क हेयर्स पे अप्लाई करती हूँ। हेयर वॉश मैंने ऑलरेडी कल कर लिए थे और फिर मैं इसे मिनिमम 2.5 आवर रखने वाली हूँ। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 से 2 स्पून के लगभग ऑयल। और इससे ना जो हेयर्स वो हो जाते हैं ना रस्सी के जैसे, वो नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होंगे। तो देखिए मैंने आइडिया से ही 2 स्पून के लगभग ऑयल ऐड कर दिया है और मैं अच्छे से मिक्स करके इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करने जा रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लेके आ चुकी हूँ मेहंदी। और लाइट को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। और अद्विक अपनी गन लिए एक अलग ही वॉल्यूम निकाल रहा है जिससे मुझे इरिटेशन हो रहा है। और मुझे लगा कैसे दिखाऊँ, तो ऐसे ही मैं दिखा पाऊँगी। और अब मैं दूसरे हाथ में भी पहन लेती हूँ ग्लव्स और फिर मैं मेहंदी लगाना करती हूँ स्टार्ट। तो देखिए मैंने पार्टीशन में हेयर्स को ले लिया है और मेरे तो वैसे ही इतने ज़्यादा हेयर्स जा रहे हैं, तो मैंने फर्स्टली जैसे पार्टीशन किया हुआ है उसी में लगा रही हूँ। और अब की बार मैंने ना, पिछली बार, अब अगर आप सबके ध्यान हो तो मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, वो लिक्विड टाइप, तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखा है। तो मैं ऐसे, अब की बार मुझे लगाने भी खुद से पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर और कोई है नहीं जो मुझे लगा पाएगा मम्मी जी मेनली। और ऐसा नहीं है मैं लगा लेती हूँ खुद से भी, तो कुछ ऐसे करते हुए मैं इन पूरे हेयर्स पे थोड़ा थोड़ा करती जाऊँगी, पार्टीशन करती जाऊँगी और लगाती जाऊँगी। तो देखिए कुछ ऐसे करके, और वो मेरे कुर्ते के ऊपर भी गिर गई है थोड़ा सा, लेकिन क्या करूँ अभी तो करना पड़ेगा ऐसे ही होते थोड़ा। तो ऐसे करके हमें ये पूरे हेयर्स में लगाते जाना है और लगा के जो सुकून मिलता है, एक रिलीफ मिलता है, वो अलग ही होता है। और ऐसे करके चलिए मैं पहले पूरे हेयर्स में लगा लेती हूँ, फिर आप सबको आगे बताती हूँ कैसे करना है। और अगर आप जूड़ा बना सकते हैं तो जूड़ा बना लीजिए, लेकिन मेरे हेयर्स जूड़े के अकॉर्डिंग नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से ये मेहंदी लगा चुकी हूँ, मतलब हेयर मास्क, और अच्छे से पूरा क्लीनअप भी कर चुकी हूँ। और अभी काफ़ी, मतलब क्वांटिटी में पूरा तो नहीं दोबारा लग पाएगा, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि अब की बार मैंने पूरा ही डिप कर दी थी ना जितनी भी रहती थी। तो चलिए कुछ ऐसे मैं अपना हेयर मास्क बना के लगाती हूँ। आपने से जो भी जानने के इच्छुक थे मैंने आपको बता दिया है। और अभी आ चुके हैं बाहर से तो मुझे बनाती हूँ चाय। तो चलिए जो भी होता है आगे मैं शेयर करती हूँ। और ये कपड़े फोल्ड करने हैं, कपड़े फोल्ड करती हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। रखी हुई है फ्रेंड्स मैंने चाय बनने के लिए, और साथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया है क्या दूसरी साइड एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट है, मैंने ये वाली एक कटोरी लिया है मैदा जो मैंने छान के फिल करके देखा, एक कटोरी है ना। और साथ ही ये ली है एक कटोरी सूजी जिसे मैंने और हल्का इसे दरदरा कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ी सी अजवाइन। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने अजवाइन और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मोइन। तो वो मोइन कैसे ऐड करेंगे आप सोचोगे कि कितनी क्वांटिटी रखें, ये वेट तो किया हुआ नहीं है। तो वो मैं आपको आज आइडिया देती हूँ कि कैसे मोइन का करना होता है। तो हमें कैसे क्वांटिटी का पता चलेगा हमें कितना मोइन डालना है, देखिए मैंने अभी मोइन ऐड किया है, तो ऐसे इसका इतना मोइन हो कि ये लड्डू सा ऐसे बन जाए, समझ रहे हो ना, ऐसे मुट्ठी में ले तो ऐसे आ जाए। और अगर ऐसे आप आइडिया से भी मोइन डालोगे तो वो एकदम चीज बन के सही आएगी। देखिए खोल रहे हो तो खुल रहा है, और ऐसे मुट्ठी में ले रहे हो तो बन रहा है,
क्योंकि पहले मेज़रमेंट नहीं थे तो तब ऐसे ही किया जाता था। और ये जैसे हम कुकर में कई बार चावल बॉयल करते हैं ना, कुछ लोग वो फिंगर से डिप करके देखते हैं, तो ये वैसा ही कुछ मेज़रमेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मेरा एक कटोरी मैदा, एक कटोरी सूजी का, मतलब मैंने सूजी को थोड़ा पाउडर बना के यूज किया है। तो ये है, अब गुनगुने पानी में हम इस डो को लगा देंगे। तो चलिए पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस डो को बना देते हैं, और फिर कपड़े से 5-10 मिनट के लिए ढक के भी छोड़ना होता है। तो ये देखिए, ना ये पतला है और ना ही ये टाइट है, ये मैंने डो रेडी कर दिया है। और अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ना है, और फिर जो इसका आगे प्रोसीजर होएगा वो मैं आप सबको बताती हूँ, देख लीजिए पास से भी। तो अभी हम इसको लगा के छोड़ दे रहे हैं, देखिए कुछ ऐसे है ये, मतलब पता चल रहा है ना ये टाइट है और ना ही ये पतला है, एकदम सही जा रहा है ये तो। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये ऐसे मोटी स्टिक के जैसे बना लिया है, जैसे कि मैं पूरी की स्टिक बनाने के लिए बनाती हूँ। अब मैं लोइना बना के इनको ऐसे ऐसे देखिए यहाँ पे कट करती जाऊँगी। तो आज मैं थोड़े बड़े कट लगाऊँगी, इसमें से मैंने लगा दिए 4 कट। और अब हम इसको लेके, 1 लोई होगी ये, 2 और 3, ये होगी 4। तो अब हम इनको बेल लेते हैं। बेलने के बाद एक प्रोसीजर और होएगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं इन सबको बेल देती हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने 2 रोटी के जैसे या पापड़ के जैसे बना दिया है ये। अब हम इनमें एक और प्रोसीजर करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है ये 2 स्पून बेसन, और इसमें आपकी मर्जी है, आप ऑयल ऐड करना चाहते हो या फिर ऐड करना चाहते हो बटर या घी, और इनको फेंट के ना इसके बीच में एक लेयर लगानी है, फिर ऊपर से ये रख के हल्का सा बेलना है, और फिर हम इनका कट करेंगे जो भी हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले मैं ये पेस्ट बना लेती हूँ और फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, मेरा ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है, जिसे कि मैं अब लगाने जा रही हूँ इस वाली जो मैंने बेला हुआ है रोटी, इसके ऊपर। और इसके ऊपर हमें कुछ ऐसे लगाना है, ये देखिए। तो मैंने अच्छे से इसे चारों तरफ इसको लगा दिया है, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, जो मैं ये बनाने जा रही हूँ अभी तक मैंने नहीं बताया है, और जिन्हें आइडिया है बताइएगा मैं ये क्या बना रही हूँ। तो क्योंकि मटर बन चुकी हैं, मट्ठी बन चुकी हैं, गुंजिया बन चुकी हैं, और ये क्या है जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, किस किस को आइडिया है, और सबको बेहद पसंद आते हैं, बड़ों को भी और बच्चों को भी। बस बनाना थोड़ा लगता है कि हाँ बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलिए देखिए, मैंने इसको अच्छे से इस पर लगा दिया है, और अब मैं एक जो ये मैंने ये वाला बनाया हुआ इसको इसके ऊपर लाती हूँ सेफली। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको सेफली इसके ऊपर ले लिया है। अब मुझे लगाने हैं 1 से 2 बेलन इसके ऊपर भी। तो चलिए मैं बेलन से इन्हें कर देती हूँ सही, और फिर आगे जो भी करना है मैं आप सबको बताती हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ जो मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, और वो है ये। तो देखिए हम क्या बनाने जा रहे हैं। अभी मेरे पास कोई दवाई का ढक्कन तो नहीं है, तो मैंने ये बॉटल का ही ढक्कन निकाला है। चलिए तो मैं पहले एक दवाई का बॉटल का ढक्कन ही ढूंढ के लेके आती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह हम बनाते जा रहे हैं, और अकेले ही मैं ये सब पूरा मैनेज कर रही हूँ। अद्विक आया और अद्विक बोल रहा है, मम्मा आप मेरे लिए स्पेशल नाश्ता बना रहे हो। मैंने कहा हाँ बेटा वही बना रहे हैं। और देखिए मैंने इतने सारे निकाल भी दिए हैं, और मैं स्लिप पे ही इकट्ठे किए जा रही हूँ, और उधर रखने वाली हूँ अब कढ़ाई,
और झट से अभी वैसे दो लोई रहती हैं उनके वापस से बनाने हैं, तो सोच रही हूँ पहले सारे बना लेती हूँ तब भी मैं इन सबको फ्राई करूँगी। और ये वाला स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को और बड़ों को बेहद पसंद आएगा। यहाँ पर और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने डाल दिया है इनको कढ़ाई में ऑयल गर्म करके उसमें, और अभी मतलब गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के ही मैंने फ्राई करूँगी। और ये वाला नाश्ता बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आने वाला है, 100% श्योर हूँ। और ये देखिए ये बनकर रेडी हो गए हैं हमारे स्पेशल वाला स्नैक्स, और ये मम्मी जी को भी पसंद आया, इन्हें भी पसंद आया और आदि को भी बेहद पसंद आया। अभी हमें इसमें एक और वर्क करना है, वो है मसाला ऐड करना है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो अभी इसमें हमें कुछ और एक और चीज़ ऐड करनी है, और वो अभी ऐड करेंगे आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो चलिए आप बने रहिए, और अभी मैं इसे डब्बे में फिल करती हूँ। और ये देखिए मैंने इनको डब्बे में फिल कर दिया, और ये इतनी ही हो पाई हैं क्योंकि आदि को तो मैंने दे दी हैं। तो चलिए आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं बोल सकती हूँ मैंने भी होली पे कुछ बनाया है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी चेयर, इतने सारे कपड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्हें कैसे फोल्ड करूँ, क्या करना है, लेकिन लगना तो पड़ेगा। और अभी मैं रूम में दूध दे के आती हूँ, आधी चोको शेक पी ले और इनका दूध, क्योंकि फिर वो सो जाए। तो मैं इन कपड़ों को अभी फ़ोल्ड करूँगी, और फोल्ड करने के बाद मुझे एक और काम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने और सूजी का पाउडर बना लिया है, जो कि मैं नेक्स्ट जो भी रेसिपी बनाऊँगी उसके लिए है। और आप में से कौन कौन चाहते हैं, वैसे तो मैं रेसिपी तो ये वाली शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं। और तो मैं बनाने के बाद आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आप बोलेंगे तो फिर कभी, मतलब अभी हफ्ते में या मतलब दो चार दिन बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, और बनाऊँगी ऐसा कि जो कभी भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे हमने रखा हुआ है दूध गर्म होने के लिए, जो कि मैं भी गर्म हो चुका है। इसको लेके चलते हैं रूम में, पहले आदि को सुला देते हैं और फिर करते हैं आगे जो भी देखते हैं। और अभी आप सब बोलेंगे कि क्या वर्क, मेरा वर्क तो फिनिश होना ही नहीं है आज की डेट में, तो मुझे लग ही रहा है क्योंकि ढेर सारे पेंडिंग्स वर्क हैं, जैसे पेंडिंग वर्क्स हैं जो, जैसे कि ये कपड़े रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स कट होनी है, और हाँ अभी तो छोले भी डिप करने हैं, साथ ही हाथ की ये मेहंदी पेंडिंग है, अभी यहाँ पे ये अपने आप से करना है। और चलिए राइट हैंड को तो अभी छोड़ ही दीजिए, तो ढेर सारे। और हाँ सुबह पूर्णिमा भी है ना, तो दिए भी जलाने हैं, तो उसके लिए पाती बनानी है, मतलब इस टाइप के छोटे छोटे ढेर सारे काम रहते हैं जो कि मैं अब भी करने चल रही हूँ। लेकिन मुझे लगा उससे उन सबसे पहले सॉरी मॉर्निंग से चली आ रही इस वीडियो का कर देती हूँ मैं एंड। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं दिखा पाती हूँ किसी रीजन से, मान लीजिए, या फिर टाइमिंग, लेक ऑफ टाइम मान सकते हो जाता है शॉर्ट। जैसे कि कल की ही वीडियो क्लिप है जो मैंने मेहंदी डिप करने की है, वो पता नहीं कैसे कल वाली वीडियो में भी नहीं गई, और आज वाली में सोच रही हूँ उसे एडजस्ट कहाँ करूँगी। अगर एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी तो आपको प्रॉपर पूरी वीडियो कैसे मिलेगी कि हाँ मेहंदी ऐसे डिप की, तो मतलब ये कई बार हो जाता है हेडेक। तो चलिए इस वीडियो का करती हूँ। और हाँ, मेरे जो मैंने वो काजू बनाए ना सूजी वाले, मस्त लगे, सूजी और मैदा मिक्स करके, सबको पसंद आए हैं बेहद ज़्यादा, और मुझे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। सबसे एक तो यही है बड़ा टास्क कि मुझे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, और दूसरी रेसिपी भी आपको मेरी पसंद आने वाली है। आप ये नहीं, इसीलिए मैं उसे वीडियो में नहीं ले रही हूँ, पहले मैं आपको वो सर्विंग दिखाऊँगी उसकी, अगर आप सबको पसंद आए तो फिर मैं आप सबके साथ उसकी रेसिपी पक्का शेयर करूँगी बाद में। तो चलिए इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और आप सब कैसे करते हैं, क्या प्रिपरेशन करते हैं,
हमारे जैसे ही आपकी भी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट हो जाती है या फिर टाइम टू टाइम करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अपना प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, इन सब की रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।